नमस्कार, डेढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। बुराड़ी में 30 जून को 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, क्या उनका पुनर्जन्म हो गया है? जी, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे इस समय एक फोटो और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें सूरत में एक साथ 11 बच्चों के जन्म की कहानी बताई जा रही है। आपको बता दें कि बुराड़ी में ललित भाटिया के परिवार ने जो आत्महत्या की थी, उसमें माना गया कि ललित भाटिया के अंदर जो पिता की आत्मा आती थी, वो उनसे ये कहती थी कि मरेंगे नहीं बल्कि आप नई जिंदगी पाएंगे। तो क्या ये बात सच हो गई और 11 बच्चे सूरत में एक साथ एक माँ से जन्मे? लेकिन आपको बता दें कि जब इसकी जाँच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये वीडियो फेक है। जी हाँ, आपको बता दें कि वीडियो में दिखाए गए तथ्य तो सही हैं कि हाँ, एक सूरत के टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में 11 बच्चों का जन्म एक ही दिन हुआ। लेकिन आपको बता दें कि ये इसलिए था कि वो 11/11/11 की तारीख के चलते 9 महिलाओं ने इच्छा जताई थी कि इस दिन उनका बच्चा हो। ऐसे में महिलाओं ने अलग अलग बच्चों को जन्म दिया, जिनकी फ़ोटो एक साथ रख के खींची गई और जिसे ऐतिहासिक बनाया गया। तो कहा जा सकता है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज़ कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बड़ा प्रभाव डाल रही है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि कृपया ऐसी न्यूज़ों को नहीं देखें, और देखने के बाद अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ उसे शेयर करें। क्या ये सही है कि हमें ऐसा करना चाहिए फोटोशॉप या अदर तकनीक से, या गलत? कमेंट बॉक्स में यस और नो जरूर लिखें।